यहाँ वो सिस्टम ही नहीं है और जो है वो बिल्कुल अनअकाउंटेबल है। जब आप एक आदमी को डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे उसको लोग डायरेक्ट उसको वोट पे ली हुई, यहाँ क्या होता है कि वो यूरिन काउंसिल के सारे जो नाजर होते हैं उनके अंदर वो इतना अंडा है वो आपस में बदल हो जाते नीचे जाता ही नहीं। सिस्टम ही वो है जो डायरेक्ट इलेक्शन से आप मेट्रोपॉलिटन सिटी का मेयर है। ये बड़े डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के अंदर अगर आपको एक सिस्टम इंसाफ नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा हूं, हमें सारों को पता था कि सारी पार्टी इलेक्शन धांधली हुई, सारी पार्टी हमने कहा कि धांधली हुई तो इन्वेस्टिगेशन हो चाहिए और इन्वेस्टिगेशन ना करें। मैंने इतनी इजी चीज दी, मैं सिर्फ 400 बोले, 400 क्वेश्चन नहीं, मैं 4 में 7 बोल दिया। और अगर कुछ जो भी वो बार में आता है हमें बोले, लेकिन मुझे खौफ ये है कि अगर आज आप इन्वेस्टिगेशन ना की 2018 में भी आपने धांधली की करें। चार की इतनी मुस्बत डिमांड थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल नून लीग के साथ धांधली की थी, वो खोले ना, और जब वो खोले उन्हें समय धांधली निकली, जब वेंचुरी अदालत जाकर 2.5 साल के खोले, तो वो जब ना वो खोल रहे थे तो फिर हमने प्रोटेस्ट की और हमारी प्रोटेस्ट में जो कि ठीक हो गई थी वो बंद है पब्लिक के लिए, यानी वहां से कोई गाड़ी ट्रैफिक नहीं हुआ। हमने उधर सेकेंड ये वो पैनामा, वो ही जब में डेविड कैमरॉन का से बात, हमने नवाज शरीफ से पूछा, हमने कहा कि नेविगेट का जो आप कह रहे हैं, उसने कहा ना ये है वो दस्तावेज जिधर बैठ गया है, तो हमने कम से कम देखा दस्तावेज वो है ना, तो उसके ऊपर देखा है कि आप मैं खड़ा ही होता पैसा कौन, मेरा पैसा नहीं चोरी हुआ था, पैसा तो कौन का है। तो अगर मैं पॉलिटिशियन इसके ऊपर और मैं ना सड़कों पर पैसा बदल गए असेंबली में बैठा, जब आपको दो इंसान को प्रोटेस्ट जहां तक ये जो प्रोटेस्ट, देखिए मेरे घर के पास क्योंकि मैं घर कितने रखने हुए घर से ना किसी को हमने ना कभी किसी के ऊपर लाठी चलाई, हमने दिन कोशिश की लोगों को इंसाफ दी, गलत किया, लेकिन जो प्रोटेस्ट का राइट है कि जो इंसाफ का निजाम उसको करे और डेमोक्रेसी लोग ये जो अपने नबूवत के ऊपर पॉइंट देखिए हमने कुछ चेंज लेके आना था तो उसूलन फिर पार्लियामेंट में लिखा थे उसको डिबेट करते कहते हाँ ये जो पार्लियामेंट इस वजह से हम चेंज कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चुप करके वो
कि कोई चेंज आया ही नहीं, हमने चेंज नहीं किया। पढ़े गए हैं, बोले दो लोगों ने देखे, वो चीज़ मांगे थे जो कि बाहर से डम करके उनसे बता रहे मांग रहे थे, बजाय उनको सेटिस्फाई ये डेवलपमेंट फंड रहे किसी मुझे हेड बल ये उसको कर रहे सर और एंड में वो चीज मांग रहे हैं जो अभी इसको करने की आप ये भी चीज खत्म नहीं हुई ये कह रहा हूं ना किया ये इशू जब आपकी इकोनॉमी चल रही है स्ट्राइक्स एक स्ट्राइक्स नहीं ये भी हैं और कुछ लोग निकले किसानों सड़कों पे निकले हुए वो निकले हुए इतना बड़ा इशू फाटा क्या है जो कोई बात नहीं कर रहा हमने हम कर रहे थे इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान बनाया उसकी पॉइंट 12 ये था कि फाटक गुनफा के साथ ताकि सारी गुनफा की पुलिस वहां शुरू कर दे ताकि डर लग गई तो बहुत बड़ा था है वो पुराना सिस्टम खत्म हो गया उनको अगर इन्होंने 2018 के इलेक्शन तक ना किया ये 2023 तक अगर इसी तरह रह गया मैं आज आप कह रहा हूँ फिर से दहशत गर्द शुरू होगी कुछ नहीं रहेगा सिस्टम खत्म हो गया नया सिस्टम है ही नहीं इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट क्योंकि इसी चीज को निकाली तो वो हिसाबदार बिस्तर में पड़े हुए वो एब्सकॉन्डर है जिससे उधर जहां से फॉरेन मिनिस्टर का चला गया वो 15-16 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहे हैं बैंकर लेकिन ये बैंक भी बने हुए हैं जिधर 5 दिन हफ्ते में काम करना पड़ता है जो ऐसा एक बार उसने कहा ये कोई इलेक्शन समय देखिए ये